नमस्कार, मैं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर जो आज सुर्खियों में बनी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में आदिवासियों के प्रमुख तीर्थ स्थल मानगढ़ धाम को राष्ट्र स्मारक का दर्जा दिया। इसमें जालियांवाला बाग की तरह मानगढ़ धाम की भी पहचान होगी। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासियों के लिए यह एक बड़ा तीर्थ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन कर दिया है। इंडिया वाटर वीक के 7वें संस्करण में दुनिया भर में से 2000 से अधिक लोग जल संरक्षण, नदियों में कम होता पानी आदि विषयों पर अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। यह कार्यक्रम 5 नवंबर तक चलेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी को दुनिया भर में सम्मान मिलता है क्योंकि वह ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं और जो महात्मा गांधी का देश है। गहलोत ने बांसवाड़ा के पास मानगढ़ धाम में मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस दौरान मंच पर प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे। गहलोत सरकार ने रीट परीक्षा में केवल 2 शिक्षकों के पद 31,500 से 6,000 घटाकर 25,500 कर दिए थे। प्रदेश के सारे जिलों में इसके खिलाफ युवा आक्रोश जता रहे हैं। 2 नवंबर को जयपुर में भी प्रदर्शन भी होगा। इस मुद्दे पर बीजेपी ने सरकार को घेरा है। बीजेपी इससे मुद्दा बना रही है, इसलिए शिक्षा मंत्री विवाद से बचने के लिए घटाए गए पदों को फिर से बहाल करेंगी, ऐसा संकेत दिए गए हैं। ठग सुकेश चंद्रशेखर के आरोप के बाद दिल्ली की राजनीति गर्मा गई है। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन अवैध लेन देन के एक नए मामले में पहले से तिहाड़ जेल में बंद है। भाजपा ने सत्येंद्र जैन पर जेल में रहते हुए उगाही करने का आरोप लगाया है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र से तमिलनाडु आसपास के राज्यों में बारिश हो रही। मौसम विभाग ने चेन्नई समेत कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके चलते तमिलनाडु के 3 जिलों के स्कूल कॉलेजों में 1 नवंबर को अवकाश घोषित किया गया है। SRA फ्लैट्स घोटाला मामले में घिरी मुंबई के पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। पेडनेकर SRA फ्लैट्स घोटाले के सिलसिले में समन मिलने के बाद मुंबई के दादर पुलिस स्टेशन पहुंची जहां उनसे पूछताछ होनी है। किशोरी पेडनेकर शिवसेना ठाकरे गुट की नेता है। गोला गोकरणनाथ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी सहित कई भाजपा के नेता जुटे हुए हैं। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इससे दूर हैं, जबकि सपा नेता बूथों पर डटे हुए हैं। कर्नाटक के मंत्री वी सोमन्ना द्वारा एक महिला को थप्पड़ मारने का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि इसी तरह का एक नया विवाद सामने आ गया। दरअसल मंगलवार को पुलिस भर्ती घोटाले के पीड़ित गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान तुमकुरु के डिप्टी SPP श्रीनिवास ने एक अभ्यर्थी को थप्पड़ मारकर भगा दिया। हिंदी सिनेमा में रहस्य और रोमांस से भरी फिल्मों में मील का पत्थर बन चुकी फिल्म दृश्यम की सिक्वल के रिलीज में अब बस गिनती के 2 दिन ही बाकी हैं और इस सिक्वल दृश्यम 2 के पहले गाने साथ हम रहे ने मंगलवार को संगीत के सुधी श्रोताओं को एक सुरीला एहसास कराया। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध करने के लिए संगीतकार देवश्री प्रसाद यानी DSP ने कम से कम वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ।